आपको बता दूं दैट यहाँ पर यूजुअली जितने भी डीजेज आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, मतलब यू नो अगर कुछ नहीं मिला तो फिर मैं वो, लेकिन हार्दिक के बारे में बताना चाहूँगा दैट हार्दिक इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, पढ़ाई में भी बहुत ध्यान रखता है, बहुत यंग है, जितना पढ़ाई में ध्यान रखता है उतना ही वो डीजेइंग में भी उतना ही ध्यान रखता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द वे ही इज़ ग्रोइंग। ये मेरा सेकेंड नाइट है आई थिंक यू नो हार्दिक के साथ, लास्ट टाइम भी मैंने जो पार्टी की थी, अब ऐसा ही हो गया कि जब हार्दिक प्ले करते हैं तभी मैं पार्टी करता हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई एम गोना बी एंजॉयिंग टुनाइट। हार्दिक कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई थिंक ही डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई होप ही गोज प्लेसेस एंड जल्दी से गर्लफ्रेंड भी बना ले, बड़ा हो गया अभी। कुछ नहीं बस अभी आप देख ही लोगे अभी थोड़ी देर पे। मतलब 17 से 18 गिग्स हो चुकी है। हम श्रीलंका जा रहे हैं वैलेंटाइंस डे पे और हम श्रीलंका में वैलेंटाइंस बनाएंगे। सो हम श्रीलंका में एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, सो वहाँ पर ही कंटिन्यू करेंगे हमारा वैलेंटाइन भी। सो सही है ना, वैलेंटाइन में अगर समझो मोह और माया दोनों आ जाती है तो फिर अच्छा लगता है। सरेंडर टू ऑल द मैन, और कोई चारा ही नहीं है यू नो सुखी परिवार जीने का। आई थिंक यहाँ पे जितने भी मैरिड मैन जो अभी कैमरा पकड़ रहे हैं वो सब मेरे साथ यू नो अग्री करेंगे दैट हर एक शादी में जितना आदमी सरेंडर हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि जहाँ अगर आप लड़ने की कोशिश की, मैं आपको बता देता हूँ 2 या 4 दिन आप लड़ पाओगे, 5वें दिन ये औरतों में शक्ति बहुत रहती है लड़ने की, तो फिर वो मैनेज कर ही लेते हैं। हाँ जी नहीं मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, नहीं मैंने नहीं देखा। या थैंक यू सो मच। मुझे पहले से बैरल में परफॉर्म करना था, अभी आप चांस मिला है तो अच्छी बात है, इसलिए देखते हैं अभी कैसा क्राउड का रिएक्शन होता है जब मैं प्ले करता हूँ। मतलब मैंने खुद से ही मोटिवेट कर दिया कि दो बाद में मैंने डैड को पूछा कि डीजे करना है तो नहीं सामने से आप बोलिए तो यादगार बन गया हो। अभी तक मेरे नॉर्मली 17 से 18 गिग्स हो चुके हैं, अभी तक सबसे अच्छा मेरा जो अभी बॉम्बे अड्डा में एक इवेंट हुआ था बिलियन एंड नाइट करके, वो सबसे अच्छा था मेरा। मतलब नॉर्मल मिलियन एंड नाइन होता है हुआ था, मतलब सब मिलियन एंड पीपल जो होते हैं ना वो वैसे टाइप की पार्टी थी। नॉर्मली मैं सब कुछ प्ले करता, बट अभी डिपेंड्स ऑन द क्राउड दैट इफ क्राउड लाइक्स बॉलीवुड देन आई विल प्ले बॉलीवुड, क्राउड लाइक EDM देन आई विल प्ले EDM लाइक दैट। और काफी यंग है, ये बहुत बड़ी बात है कि यंग एज में इतना सीमेंट आप किया, क्या कहना चाहेंगे? बस अभी इतने सारे डीजेस अभी इंडस्ट्री में, अभी मैं स्टार्ट किया तो बहुत डिफरेंस होता है। About the barrel, well I have been here and it's a very happening place for the youngsters. Obviously the disco is actually the happening place for every youngsters, but this is the one is which us trailer ko jisne watch nahi kiya ho aur well us pe comments nahi marna chaha hoga, there is ये एक्चुअली आप लोग थक जाओगे, आपकी चिप ख़त्म हो जाएगी इस बारे में अगर मैं बात करूँगी पैडमैन के बारे में। ये एक ऐसा चीज़ है जो ऑब्वियसली हमें स्कूल में बहुत पहले हमारे 5th या 8th स्टैंडर्ड में हमें बताया जाता है, लेकिन बहुत छुप के जो गर्ल्स बैठ के बात करती हैं, सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग टू टॉक अबाउट जो लड़कों में नहीं और हमारी सोसाइटी में नहीं बात करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अक्षय जी ऐसी स्टोरी लेके बाहर आए हैं और इतनी ओपनली हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो पैडमैन तो मैंने, आई हैव बुक माई टिकट, मैं कल जा रही हूँ, आई एम वॉचिंग द फिल्म एंड
वेल मेरे इंस्टा पे यू कैन वॉच सोनी सिंह इंस्टा, सो आई कैन मैं जो भी पिक्चर दूंगी उसका रिव्यू तो जो मैं सोच रही हूँ वो तो होगा ही, उसके अलावा भी जो मैं पिक्चर देख के पोस्ट करूँगी वो बहुत डिफरेंट होगा. सो यस 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 से सॉरी बिग बॉस शो को लेके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, हिना खान जीतने वाली थी लेकिन बताया जा रहा है कि उसे नहीं जिताया गया, आप किस क्या मानते हैं? आप अभी तक बिग बॉस अब तक उसमें ही हो? ओके वेल यू नो व्हाट, जब बिग बॉस में जो पर्सन जो होता है और जब वो अंदर जाता है उसके बाद जब वो बाहर आता है वो डिफरेंट पर्सन है और जो आता है वो डिफरेंट पर्सन है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. जब आप अंदर जाते हो आप कुछ होते हो और आप कुछ और आते हो. आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. जब मैं वहाँ से आई तो आई वॉज लाइक अ काइंड ऑफ लाइक अ वॉरियर कि आई कैन मैं हर चीज़ से लड़ सकती हूँ और कोई भी चीज़ हो सकती है. आई कैन सर्वाइव एंड आई कैन स्टैंड फॉर एनीथिंग आफ्टर अ बिग बॉस, वो मैं फील कर सकती. सो फॉर सी आई डोंट से एनीथिंग फॉर हिना खान एंड फॉर शिल्पा, बट जब आप बाहर आते हो तो आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हो. सो वहाँ रहने के बाद जो आपके साथ चीज़ें होती हैं इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो जो भी आपके साथ सिचुएशन हुई है और आप जब उसके बाद अलग हो जाते हो इट्स अ बिग बॉस कॉल, यू नो आप यू कैन से एनीथिंग. सो लव यू ऑल एंड एंजॉय द बैरल, टेक केयर, बाय. तो पहले तो मेरा नाम है डीजे अख्तर, मैं ये इस प्रोफेशन में पिछले 27 साल से हूँ. हार्दिक बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, उनके डैडी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं. इतनी कम उम्र में मैं उसको, जब उसने मेरा पहला शो किया था मेरे ही कोई एक आध क्लब में था, एंड इतनी कम उम्र में इतना सब अचीव करना बिल्कुल आसान नहीं है. जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं बिल्कुल डफर था, मुझे बहुत साल लगे, मुझे करीबन 8-9 साल लगे ये प्रोफेशन सीखने में, थोड़ा आगे बढ़ने में. एक एक चीज़ जो कलाकारी होती है हमारी, जो टेक्निकलिटीज़ होती है वो सीखने में बहुत समय लग गया. ही इज़ अ वेरी वेरी शार्प इंटेलिजेंट, एंड उसका पूरा जो ध्यान है हार्दिक का, पूरा फोकस जो है एकदम 100% ये फील्ड में डीजेइंग में. मैं परसीव ऐसा कर रहा हूँ और मैं एंटिसिपेट भी कर रहा हूँ, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि पिछले एक या दो वर्षों में ही विल बी वन ऑफ द लीडिंग डीजेस ऑफ द कंट्री. एंड वो यहाँ ही नहीं, बाहर हमारे देश के बाहर भी जाके अलग अलग फेस्टिवल में वर्ल्ड वाइड हमारे देश का नाम रोशन करेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा. बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है, आई लव हिज म्यूज़िक स्टाइल. आई हैव कम हियर टोटली टू सपोर्ट हार्दिक, डीजे हार्दिक, एंड विल ऑलवेज सपोर्ट हिम. बैरल का तो मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है. बैरल तो अभी ऐसा हो गया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ. अगर मुंबई में किसी को भी कहीं भी जाना हो, किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट या कोई भी नाइट आउट हो, तो इफ द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू अवर माइंड इज बैरल. बैरल एक ऐसी जगह है जहाँ नॉट ओनली यू गेट गुड म्यूजिक बट यू गेट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक. हाल ही में उन्होंने कायोटी अगली नाइट्स चालू किए ट्यूसडे को, जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है कि आप ट्यूसडे को यहाँ आएंगे तो आपको 600-700 लोग मिलेंगे. सैटरडे जैसा माहौल है, बहुत ही बेहतर इनकी टीम जो है, एकदम सुपर स्टार्स की टीम है. सब राइट फ्रॉम द एंट्रेंस टू इनसाइड टू द वेटिंग स्टाफ टू द मैनेजमेंट टू द ओनर्स, सभी मेरे भाई बहन जैसे, एंड आई लाइक देम वेरी मच. थर्सडेज उन लोग यूनिक कुछ कर रहे हैं, सूफी नाइट्स कर रहे हैं, और एक आध सिंगर ने बड़े बड़े हस्तियों के साथ कर रहे हैं. तो इनका हर एक, जिस तरह के इन्होंने माहौल बनाया, जिस तरह का ये लोग अटेंशन डालते हैं और डिटेलिंग में अटेंशन डालते हैं, वो इतना आसान नहीं है करने में. जैसे कि हाल ही में लास्ट संडे उन्होंने फ्ली मार्केट बैंकॉक, पूरा बैंकॉक यहाँ पे इस राइट इस माहौल में उन्होंने खड़ा कर दिया. और मेरे भाई यहाँ पे हैरी आनंद जी आइए, हैरी जी अरे आइए आइए हरी जी, वेरी गुड वेरी गुड. मेरे भाई हरी जी बहुत मजे हुए, और इनकी नया अभी गाना निकल रहा है होली के अवसर पे, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आज ही देखा. किंग ऑफ डीजेस
डीजे अख्तर माई ब्रदर सर द ओनली मैन हु कैन मेक एनी बडी डांस एंड एवरी बडी डांस डीजे अख्तर थैंक यू सर द मैन लव यू ब्रो थैंक यू सर थैंक यू कैरी ऑन वैलेंटाइन डे तो मतलब यू नो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती है और क्या होता है आपके तो चेहरे पे ही मुस्कुरान आ गई है वैलेंटाइन आपने तो कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा कुछ ना कुछ तामझाम किया होगा इसी तरह हम भी बैरल में बहुत सारा कुछ तामझाम लेके आने वाले कपल्स के लिए सिंगल्स के लिए और जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं शादीशुदा उनके लिए भी थैंक यू फिलहाल तो गया नहीं हूँ अंदर देखते हैं जाने के बाद डीजे अख्तर भी है हार्दिक भी काफ़ी क्लोज है तो देखते हैं कैसा है अंदर बैरल तो बहुत ही हैपनिंग जगह है मैं पहले भी आया हूँ काफ़ी बार और काफ़ी सारे अलग नाइट्स करते रहते हैं वेरी इनोवेटिव ऑफकोर्स इंडिया प्राउड टूवर्ड्स द म्यूजिक लाइन मैं तो फिलहाल तो वेब सीरीज़ पे काम चल रहा है एक मूवी की भी बात चल रही है देखते हैं इंशाल्लाह कितनी जल्दी होता है थैंक यू